मूवमेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जा रही है, लोकल पर्सन से का भी सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, देखना शुरू कर चुके हैं आप लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर रेलवे ट्रैक को पहले जाम किया गया था, बवाल किया गया था, लेकिन एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर मूवमेंट करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है यहाँ पर। और SSP जयंतकांत खुद आए थे, खुद उन्होंने इस पूरे इलाके को देखा है और भारी सुरक्षा बल अभी तैनात है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रेल DSP आए हुए हैं अभी, इससे पहले SSP जयंतकांत आए थे और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है यहाँ पर। देख सकते हैं किस तरीके से SSP जयंतकांत ने पूरे इलाके का मॉनिटरिंग किया है, देखा है कि क्या स्थिति है। दरअसल सूचना मिली कि कुछ युवकों के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन मूवमेंट किया गया है और उसके बाद वो लोग भाग खड़े हुए, लेकिन समय रहते पुलिस आ गई, जिसके बाद अभी कोई उपद्रवी यहां पर नहीं है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं यही वो ट्रैक है जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद SSP जयंतकांत खुद आए और पूरे मामले की मॉनिटरिंग की है। वहीं SSP जयंतकांत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। अभी तक पुलिस के द्वारा जो एहतियातन तौर पर गश्ती है उसको अलर्ट रखा जा रहा है, आगे के लिए भी किसी तरीके की कोई सूचना होगी उस पर कार्रवाई होगी और जो अरेस्टिंग है उसको और ज़्यादा तेज किया जाएगा, क्योंकि जो इंजन जो ग्रुप है उन ग्रुप से और लोगों के नामों का पता लगा है, जिसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ट्रैक वगैरह पर हंगामा की बात बताई जा रही है, जिस तरीके का कोई भी अगर सस्पिशियस मूवमेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जा रही है, लोकल पर्सन से का भी सहयोग मिल रहा है और रेल DSP रेल SHO से भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर किसी तरीके का सस्पिशियस मूवमेंट होता है तो उसको ज़रूर देखा जाए। सर, कोचिंग संचालकों की भी भूमिका में आई थी, जो अभी तक के हम लोग ने जो निकाला है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम आए हैं, उनमें से एक यहाँ पर एक घर पर भी रेड की गई है, वो घर से फरार बताया जा रहा है और उसके जो कनेक्टेड लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। सुना कि SSP जयंतकांत ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां जहां मूवमेंट की बात सामने आ रही है वहां खुद जाकर निरीक्षण किया जा रहा है, वहीं सख्ती से पेश आ जाएगा। साथ ही साथ SSP जयंतकांत ने यह भी कहा कि कोचिंग संचालकों की कुछ फिजिकल कोचिंग संचालकों की भूमिका संदेह के घेरे में आई है, जिसके बाद उनकी जांच की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कोचिंग संचालकों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई थी, जिसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। वहीं एक बार फिर इसी ट्रैक पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, कुछ युवकों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपद्रव करने या मूवमेंट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो भाग खड़े हुए, जिसके बाद अभी पुलिस को जानकारी मिली तो देर रात मुजफ्फरपुर पुलिस यहां पर मुस्तैद है। और देख सकते हैं रेलवे की पुलिस भी आई हुई है, रेल DSP भी आए हुए हैं, SSP जयंतकांत स्वयं आए, कई दल बल के साथ आए थे जिन्होंने जांच की है। तो अब देखने वाली बात हुई कि अभी भी क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सख्ती से पेश आया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। मूवमेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जा रही है, लोकल पर्सन से का भी सहयोग मिल रहा है।